हरि ओम श्री राम अम्बज्ञ नाथ संवित। मैं विनय महाशब्दे इंदौर रामबाग केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सन 2009 में बापू से केंद्र से जुड़ा था। मेरे करीबन आज मुझे 10-12 साल हो गए बापू से जुड़े। और जिस टाइम मतलब आज बापू से मैं जिस टाइम जुड़ा था उस टाइम से आज तक मेरी सद्गुरु की कृपा मुझ पर कुछ ऐसी रही। एक बार अचानक मेरी कुछ ऐसी तबीयत बिगड़ी। हमारे यहाँ जब महालक्ष्मी का जब त्यौहार आता है उस टाइम हम सब महाराष्ट्रीय लोग हमारे बड़े घर मतलब मेरे चाची के यहाँ हम सब महालक्ष्मी को बिठाने जाते। उस टाइम मेरी वहाँ पे 4-5 मतलब दिन पहले हम वहाँ चले जाते। उसके बाद मेरी अचानक तबीयत ख़राब होती है। जिस टाइम तबीयत मेरी ख़राब होती है मुझे कुछ संपर्क नहीं पड़ता मेरे मतलब मैं पहली बार तब मुझे एकदम झटका लगा था। जिस टाइम मैं नीचे गिर पड़ा था एकदम बेहोशी की हालत हो गई थी। दूसरी बात जिस टाइम मतलब फिर जैसे तैसे मेरी मिसेज मुझे दवा देती मेरे को थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसके बाद मेरे को फिर रात को सही करीबन 10:30-11 बजे अचानक मेरे को वापस से दर्द होता और मैं चक्कर खा के वापस नीचे गिर पड़ता हूँ। तो मेरे घर के सभी लोग परेशान हो जाते। हमारे यहाँ सब मतलब एकदम दुख का माहौल हो जाता है। जिस टाइम दुख का माहौल हो जाता सब रोने लग जाते। मेरा मतलब मेरे को मतलब सब जने अस्पताल ले जाने के लिए ये करते। अस्पताल में जब मेरे जाता हूँ तो मुझे ICU में भर्ती किया जाता है। हालांकि मैं आंखें मेरी खुली है मैं सब देख रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या। बाकी मुझे ये संपट नहीं बैठ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी सबसे बड़ी बात मेरे पास एक बापू का लॉकेट रहता गले में हमेशा 24 घंटे। वो हमें मेरे हाथ में लॉकेट पकड़ मतलब मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था। उस टाइम जिस टाइम मेरे को पलंग पे लेटाया जाता है उस टाइम डॉक्टर बोलता है मुझे भैया ये हाथ तो हटाओ यहाँ से। मैंने ये नहीं ये हाथ नहीं हटेगा आप हट जाओ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं तो बेहोशी की हालत में था। जैसे तैसे डॉक्टर वो लॉकेट मेरे से छुड़ाता है लेकिन मैं वो डॉक्टर को लॉकेट को छोड़ता नहीं हूँ और उस लॉकेट को पकड़ के रखता हूँ। मुझे पूरा दृढ़ विश्वास रहता है कि मेरा बापू मेरे साथ सद्गुरु है मुझे कुछ भी नहीं होगा। और मैं उस लॉकेट को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। डॉक्टर अपना काम कर रहा है चेक कर रहा है सब कुछ कर रहा है अच्छा सब चल रहा है। बाकी सब मेरे को कुछ संपट नहीं बैठ रहा। तो मेरे को कुछ भी याद नहीं था कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मेरे को पता चलता है कि तुम्हारे को 2 अटैक आ चुके हैं फिर भी मेरे को मतलब एक मतलब ये वो ये नहीं होता है कि यार आदमी को 2 अटैक आने के बाद तो या तो आदमी ऊपर चले जाता है या आदमी त्रस्त हो जाता है। लेकिन आज बापू की ऐसी कुछ ऐसी कृपा है कि मैं स्वस्थ और निरोगी हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। आज मैं एक दुकान पे काम भी करता हूँ मुझे 4,000 रुपये पेमेंट भी मिलता है। 5,000 रुपये मेरे बापू कहीं से भी मुझे मदद कर दे करवा ही रहे हैं। दूसरी बात मेरा घर में सब कुछ सुख शांति चलती है। हर कार्यक्रम बापू का अटेंड करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर सद्गुरु अपने साथ है तो दुनिया की कोई ताकत अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री राम अम्बज्ञ।